दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, कुरान पाक की आयत तुहाडे सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के आख्या है कि जो कौम अपने आप वास्ते खुद कोशिश ना करे, अल्लाह भी उसका मुकद्दर कभी नहीं तब्दील किया। अगर तुम चाहते हो कि तुहाडा मुकद्दर तब्दील होवे और तुहाडा नसीब तब्दील होवे, तो उस वास्ते पहले तुहानू खुद भी कुछ करना पौना है। अलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। असी 2011 दे सितंबर तो इस हलके दे अंदर सियासी कोशिश शुरू की थी। उस वक्त उनका मजाक बनाया जाता है और लोग आखते हैं भाई या सैमा दे वोट वजह ही सी या नजीर सुल्तान दे वोट वजह ही सी, ये कोई भी नहीं आता भाई इतने वोट ले सी। आनंद जी वोट वंजावने सुझा है सहमत है चवंजा है चाहे नजीर सुल्तान ने वंजा, लेकिन असी उन गल्लां तो दिल बर्दाश्त ना होए, असी अपना सफर जारी रखिया, अपने मंशूर के मुताबिक मेहनत की रखी। अल्लाह ने करम भी किया ते भरम भी रखिया। पहली बारी 37,000 वोट, दूई बारी 72,000 वोट, इस बारी तो सीधी ब्रेक इंशाल्लाह असेंबली दे विच इंशाल्लाह। अपने रब ते भरोसा है। अल्लाह दा कुरान च वादा है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जेड़ा जितनी मजदूरी करे सी ओदी अल्लाह आंदा मैं ओदी उतनी उजरत देसा। 2011 तो लैके 2024 शुरू हो गया है, तुसी मैनू आमदे जांदे वेख्या है दुखे च सुखे च, इसे हल्के दे अंदर मैं ये साल सारे गुजार दिते ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 8 फरवरी नू असा दोवें भरा इंशाअल्लाह विनर होवांगे और असेंबली जावांगे, कोई गिला शिकवा इंशाअल्लाह नहीं रहण देवांगे। देखो ना जिंदगी रवे पई ते कोई आखरी इलेक्शन तो नहीं ना बे, अज तुहानू विला वे लोक तुहाडे कोल वोट लैके वग जावे, कल मोड़ मुंह नहीं विखावना, कल मोड़ भी आवना है। असा तो ज्यादा खसूसन मेरी जात तो नहीं किदा ही जा सकती, जो मैं तो खत्म भी आवन होया, जुम्मा भी पढ़ावन होया, जनाजे ते भी आवना है, निकाह ते भी आवना है, मैं तो तुसी हर थार ते मतलब ये गल कर सकते हो। तो चौधरी खालिद गनी साहब दे मेरे ख्याल च कोई नहीं लाहौर कोठी इन्हां दी भी कोई नहीं, मैं यकीन है इन्हां कोई नहीं बड़ा इन्हां आखणो उह पैसे चलो कारोबार च ला लैणे। हां जी, ते साडा दोहां दा घर शोरकोट च, असीं रहणा भी शोरकोट च और हुण भी शोरकोट च है। पहली वारी असीं इकतदार दा सफर शुरू, मैं अपनी जात दी गल कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। उस तो पहले अपोजिशन च रहा, लेकिन अपोजिशन च रह के भी असी अपने वोटर दी कांड नहीं लगन दी। चाहे दफ्तर दे अंदर अफिसर नाल प्यार वरते है, कुराड़ वरते है, वो अफसर ते साडी गल आई, जदन बाहर निकलिया है अपने वोटर सपोर्टर दा काम लैके निकलिया। ते जेड़ा बंदा अपोजिशन च रह के काम लै सकदा है, अगर ओनू हकूमत मिले तो वह तुहाडे कितने काम लै सकदा है, तुसीं खुद अंदाज़ा लाओ। असी अपने ना वोटर दी इज्जत नफ्स ते कंप्रोमाइज कदी नहीं कीता, ये साड़ी कमजोरी समझो या साड़ी खूबी समझो। अहमदपुर सियाल दे अंदर एक SHO ने साड़े एक दोस्त नू मौलाना सफदर हुसैन साहब नू बद कलामी कीती। PTI उसले उरूज ते आई, 2019 दा एंड है। असी एक घंटे दे अंदर SHO नू पुलिस लाइन भिजवाया, असी नहीं रहन दी। हेलपुर दे अंदर भट्टी बिरादरी दा बंदा पुलिस ने चाया, तशद्दुद नाल मार सुटिया, सारे सियासतदान उत्थों हुकूमत आले गए बैठे हन वी तुसी मैयत चालो रोड तों ते बाद मुक ली सा। असी पेड़ ते पहुंचे, पूरे थाने ते परचा दिवाया, SHO और कांस्टेबल तक FIR दिवाई, पूरा थाना सस्पेंड करा के नवा अमला लाया अंदा। और उस वक्त तक असी वापस ना आए जदन तक असी परचा ना दिवा लिया। असी अपने वोटर दे नाल साथ देवण च इस हद तक जाने। मौलाना हसन माविया जिंदाबाद, हसन माविया जिंदाबाद, जल्दी खालिद गनी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर जिंदाबाद। हुण तुहाडे कोल गोल्डन चांस है, मैं तुहाडा भिरा हां, तुहाडे वर्गा 4 किलियां दा मालिक हां, कोई मुरबियां दा मालिक नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੇਜੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਸਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਟਾ ਸਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇ।
1970 तो लाके 2022 तक दूसरा असेंबली भेज भेज के तो नतीजा ही हो बिना कोई सड़क सलामत है ना हस्पताल है दवाई है ना साढ़े को स्पोर्ट्स के मैदान है ना कोई स्टेडियम है ना कोई साढ़े को जिमखाना है ना साढ़े कोई लाइब्रेरी है ना साढ़े कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस है ना कोई साढ़े को तालीमी हब नहीं बन सकया साढ़ा शोरकोट गल जेहन च रखे हर मामले च असी पिछे हैं और जंग सारा पिछा रह गया वजह ओही लोग 1970 तो लैके 2022 तक अगर इदू हरे तो उदू जीत दे रहे उदू हरे तो इदू जीत दे रहे दो बारी जिला ना जिम रहा मुसलसल इकतदार च रहे तो जदन ही असी कोई गल करी आंदे जी मैं तोहीन करी आंदा भी मैं केड़ तो मैं अपना हक मांग रही तोहीन कितने कर रहे तुहानू कोई गाल की मंदा कढ़िया है तो दसो तुहाडी किरदार कुशी कीती है तो दसो मैं तो सिर्फ ये आख रही हाँ भाई तुहानू अल्लाह ने इकतदार दिता तो इस आवाम दे सदके दिता ये आवाम दे वोट नाल मिलिया तुसा सानू के दिता सिवाय गुरबत दे सिवाय अफलास दे सिवाय दूसरा पसमानदगी दे सानू कुछ नहीं मिलिया कोई एक सुर दी मिल विखाओ चलो सानू जिथे मजदूरी लभ सके मिल च विखाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत करम करे तुसी साडे नाल तामुन करो असी कोशिश करांगे कि इत्थे असी इंडस्ट्री लैके आवे इंशाअल्लाह ताकि साडे शहर नू मजदूरी करन दा ते कम अज कम मौका मिले असी तरक्कियाती कम्मां दा जाल विछावांगे इंशाअल्लाह बोलण दा वल लमदा उत्थे जाके बिल्कुल कदी नहीं होया भाई असी जाके म्याऊ 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 करिए बिल्कुल कोई नहीं है चौधरी साहब मौजूद है जदन मेरा इंटरव्यू आई नवाज शरीफ साहब दे और सारी क्यादत मौजूद है तो मैं उन्होंने आख्या मैं आख्या जी इत्थे सारे काफी लोग हैं जेड़े सात सात दफा पार्लीमेंट च गए ने सारे मौजूद ने मैं आख्या कि जिसले भी किसी हल्के च फौतीदगी होवे ना ते लोग उत्थे तजियत वास्ते सियासी लीडर जांदे ने साडे इत्थों कल्चर है तजियत वास्ते जांदे मैं आख्या मैं अपने हल्के दा ओ नुमाइंदा कि मेरे वोटर दी गां मरे मैं तां वी जांदा मैं मोड़ भी तजियत ते जांदा इत्थे भाई अब्दुल समद मौजूद हो सन मेहरबान दा नुकसान होवे मैनूं मालूम हुंदा मेरा अपना नुकसान होया बे उस बंदे दा इंतखाब करो जेड़ा तुहाडे दुख सुख नूं अपना दुख सुख समझे जेड़ा तुहाडी क्लास दा होवे जेड़ा तुहाडे नाल अगर ठंड च खलोवना पवे या धुप च खलोवना पवे खलो सके किसे नाल कूल कुराड़ करनी पवे तां कर सके असी असेंबली च इंशाल्लाह उत्थे जाके मेरी नींद बिलकुल पूरी होंदी है मैं असेंबली जाके बिलकुल नहीं सौणा मेरा तुहाडे नाल वादा है मैं उत्थे जागदा रस हां इस वास्ते पूरे पैनल वास्ते तुसी साडे नाल तावन करो वड्डी सीट भी जीतनी जरूरी है छोटी सीट भी जीतनी जरूरी है दोवें सीटां जीतसा है हमेशा तरक्की उस हलके चमदी है जदन पूरा पैनल जीते और अगर पैनल ना जीते MNA होर होवे MPA होर होवे ए 5 साल ते इनां दी आपस दी लड़ाई नहीं मुकदी तुहाडे केड़े मसले हल करने जदन इक्को पैनल हो सी ते उस ले इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह करम करे सी इलेक्शन तुहाडा है इंशाअल्लाह इलेक्शन तुहाडा है इंशाअल्लाह ए इलेक्शन जीतना है मेहनत करनी है हर सज्जन दा बूआ खड़कावना है मैं बड़ा ममनून हाँ उस्ताद बशीर साहब दा और भाई मोहम्मद रमजान मला साहब दा और दीगर साढ़े जितने भीरा और नजीर साहब बैठे ने होर जितने भीरा साढ़े ए पूरा ग्रुप शामिल होया ए एक शख्सियत नहीं मैं आना पूरा नजरिया साढ़े नाल शामिल होया है हाँ जी और राणा लतीफ साहब ने और जितने साढ़े मेहरबान अज साढ़े नाल मजीद शामिल होए ने मैं समझदा कि ए अल्लाह दे फजल नाल साडी फतह दा ऐलान है इंशाल्लाह ते ए चीज जेड़े है असी बिल्कुल खुशी और मुसर्रत दे जज्बात नाल आखना चाहना है कि भाई रमजान मला साहब साडा भीरा है असा पहले भी इहनू भीरां वाली इज्जत दिंदे असे ते हुण ओ जेड़ा संग है ना हुण जिसले नफा ही लभण लग गया ते हुण तां बिल्कुल दिल दे अंदर ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਸਿਫ ਸੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾਲਿਦ ਸੇਰਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਰਕਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ
भाई राणा न्याज साहब बिल्कुल बेफिक्र असि तुहानू मायूस कोई नहीं होण दे। असि इतनी मेहनत करसा है कि अगले पांच साल गुजारण तो बाद जदन असि तुहाडे कोल आउसा है तो तुसी फखर महसूस करे सो भी तुसी उन्हां लोगों नू वोट दिता है जिन्हां तुहाडे वोट का मुल पाया, तुहाडे वोट की कदर वधाई है, हल्के च कम लाया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की नू वोट दियो, खुशहाली नू वोट दियो। और अगर कोई किसी ने सांगा निभावना है तो उतना कि निभाओ जितना उन्ना तुहाडे नाल निभाई रखे भाई, सिर्फ तुहानू खुश कीता है तो दित्ती काश ने, तुसी उन्हां नू खुश करो तो दियो कोई ना। सांगा ताल्लुक ये तुहाडा और साडा है और इंशाअल्लाह असीं निभावना है। बहुत मेहरबानी तुसी सानू मुहब्बत नाल नवाजिया, आस्था सारे मेजबाना की मेहरबानी, जितने साढ़े तुसी मजीद दीगर मेहरबाना है बैठो तुहाडी मेहरबानी। अल्लाह तुहाडा और साडा हामियो नासिर होवे, अपने विरा चुनो अपने वर्गे चुनो, दे रहे हैं जो तुम्हें आज रफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे, हम सफर ढूंढो न किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। भाई एहसान साहब बड़ी मेहरबानी, जज्बाती कदर।